आज मैं आपको सैंपल प्रॉब्लम वन जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो सैंपल प्रॉब्लम वन है आप देख सकते हैं क्लास टेंथ की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक है और चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पेज नंबर है 244। तो आपको ये सैंपल प्रॉब्लम वन जो है आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। यहाँ पे क्या बोला है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और उस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर है और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है एक वॉल है दीवार है उससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ठीक है ना। फ्रॉम अ वॉल दीवार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। अब यहाँ पर यह कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट जो है मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे कि जो इमेज जो बनेगी वो रियल इमेज वॉल पर तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पर लेंस जो है लेंस को लेंस हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को लेंस से जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि जो वॉल है उस पर रियल इमेज बने। यहाँ पे क्या बोल रहा है फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। यहाँ बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये कॉन्वेक्स लेंस एक दीवार है वॉल, ठीक है ना, उससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम अब जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे लेंस के सामने तो हम ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि जो जो ऑब्जेक्ट के जो इमेज है वो वॉल पर एक रियल इमेज बने, वॉल पर बने रियल इमेज, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है कि ऑब्जेक्ट को हम लेंस से ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि वॉल पर रियल इमेज बने, वॉल पर रियल इमेज बने, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, तो डायग्राम से ज़्यादा से समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम एक वॉल बनाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये हमारा वॉल है, दीवार है, ठीक है ना, ये हमारा वॉल है, ये क्या है हमारा वॉल है, ये वॉल है, ठीक है। अच्छा, अब इस वॉल से कितनी दूरी पर रखा है फ्रॉम अ वॉल, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एक कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 12 सेंटीमीटर जो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, स्केल जो है यस यहाँ पर पहले डिस्टेंस हम बना लेते हैं, ठीक है, तो पहले लेंस हम बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, तो ये देखिए ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस आप समझ रहे हैं, नहीं कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो वॉल से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ये वॉल से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये वॉल है हमारा और नीचे तक हम इसको बनाते हैं, ये आप दीवार इमेजिन कीजिएगा, ठीक है ना, एक वॉल ये हमारा, ये बीच में इस लेंस के बिल्कुल बीच में ऑप्टिकल, इसको ऑप्टिकल सेंटर सी से डिनोट करते हैं, ये वॉल है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, वॉल से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। और इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी कि कैसे आप बनाएंगे, देखिए कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ F1 F2 से हम लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये इसको हम F1 मान लेते हैं, ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस है ना C और F1 के बीच में उतना ही डिस्टेंस लेकर आप यहाँ पर F2 बनाएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल यही C F1 डिस्टेंस लेकर आप यहाँ पर बनाएंगे F1 डैश, ठीक है, फिर इतना ही डिस्टेंस लेकर आप यहाँ पर F2 डैश बनाएंगे, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम जो होता है उसमें जो आपको F1 F2 लिखना पड़ता है, ठीक है ना, रे डायग्राम बनाने के लिए, ये हो गया, ठीक है। फोकल लेंथ हमारा मतलब कि ये डिस्टेंस जो है हमारा कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ये है फोकल लेंथ, कहाँ से, यहाँ से ये फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब क्या है, ये फोकल लेंथ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना, ये इतना हमारा 10 सेंटीमीटर, यही फोकल लेंथ है, ये भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इतना 10 सेंटीमीटर है और F2 क्या है, बिल्कुल जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस, ये भी यानी कि ये 10 है तो ये भी 10, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये भी फोकल लेंथ है, ठीक है। अब इतना ही फोकल लेंथ लेकर यहाँ पर भी बनाया गया है, यानी कि ये टेन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 + 10 20 सेंटीमीटर होगा ना, 20 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है।
तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें। अच्छा, ये दीवार यहाँ पर है, दीवार के दीवार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये डिस्टेंस जो है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, ये वॉल से, ये वॉल है हमारा, ठीक है, इससे कितनी दूरी पर है, कॉन्वेक्स लेंस 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हम ऑब्जेक्ट यहाँ, हमको ऑब्जेक्ट ऐसे रखना है लेंस से, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखना है लेंस से कि जो इमेज बने, इमेज देखिए किस में बनेगी, वॉल पर ही तो बनेगी ना, जो भी यहाँ पर हम जो भी ऑब्जेक्ट रखें तो इसकी इमेज किस पर बनेगी, वॉल पर ही बनेगी, यानी कि जो भी हमारा इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो 12 सेंटीमीटर तो है, यहाँ तो बता दिया ना इमेज का डिस्टेंस, आप यहाँ ऑब्जेक्ट रखिए, जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा इसी वॉल पर बनेगा, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, 12 सेंटीमीटर, ये हमारा इमेज का डिस्टेंस ही तो कहलाएगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस, यानी कि इसको किससे डिनोट करते हैं, वी से, किससे डिनोट करते हैं, वी इमेज को, डिस्टेंस को 12 सेंटीमीटर से, तो ये वी हमारा क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस ही तो बता रहा है ये 12 सेंटीमीटर, जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसकी इमेज वॉल पर बनेगी, तो वॉल तो हमारा लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये इमेज डिस्टेंस हो गया वी, ठीक है ना। अब इसका हम साइन क्या रखेंगे, अभी हम साइन बाद में रखेंगे, पहले देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमारा यहाँ पे क्या दिया, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दो वैल्यू दिए हुए हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव लगाना, ठीक है। अच्छा, वी हमारा 12 सेंटीमीटर है, इधर साइड है लेंस की इधर साइड, तो आप यहाँ पर इधर साइड रहेगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, इधर साइड पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो ये हमारा जो वी है इमेज डिस्टेंस लेंस के आगे है, इधर साइड है, तो ये हमारा पॉजिटिव यानी कि प्लस 10 रहेगा, ठीक है। उसी तरह से हमारा ये फोकल लेंथ भी देखिए, इमेज इधर की ओर हमारा जो भी होगा रिफ्लेक्टेड रे फोकस पर कट करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ जो है वो भी इधर ही साइड है लेंस के आगे है, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। हमें यहाँ निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, कितनी दूरी पर रखें लेंस से, कि इस वॉल पर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बने, कितनी दूरी पर रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को, यानी कि यहाँ पर हमें यू निकालना है, यू हमें निकालना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर यू निकालना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर लेंस वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो देखिए लेंस फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये फार्मूला यूज़ होगा, 1/f = 1/v - 1/u, f होता है फोकल लेंथ, v होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, u होता है इमेज डिस्टेंस, m मैग्नीफिकेशन, h2 बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, और h1 जो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये तीन फार्मूले यूज़ होते हैं, 1/f = 1/v - 1/u, m = v/u, और m = h2/h1, ये फार्मूला यूज होता है। हमें क्या निकालना है, u निकालना है, ये तो f दिया हुआ है और v दिया हुआ है, तो हम इस वाले फार्मूले से u निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा लेंस फार्मूला में, 1/f = 1/v - 1/u, यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो 1/f कितना दिया हुआ है, देखिए 10 दिया हुआ है, तो यहाँ f की जगह 10 लिखिए, =1/v कितना दिया है, वो 12 दिया हुआ है, -1/u, ठीक है। हमें 1/u की वैल्यू, u की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए u की वैल्यू, तो इसका साइन क्या है, देखिए 1/u का माइनस है, ये इसके साथ साइन जुड़ा रहेगा, तो ये टर्म यहीं पे रखेंगे, या फिर इस टर्म को आप इधर लेकर चलेंगे, ठीक है ना, ये क्या है, -1/u है, तो इसको हम LHS साइड में लेकर आएंगे, तो 1/u हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लेकर आता है, 1/10 को इधर साइड लेकर आएंगे, तो ये तो यहीं पे रहेगा, 1/10 पॉजिटिव इधर आएगा, तो 1/10 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/u = इसका LCM लेंगे तो 120 आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 - 10 माइनस, और 12 - 12 ये आया हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर 12 में से 10 के क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि 12 बड़ा इसलिए निगेटिव साइन, अपॉन, और यहाँ नीचे क्या 120 है, ठीक है। अब इसको देखिए कैंसिल कीजिए, 2 - 2, 2 - 12, तो कितना आया, -1/60, हमारे पास क्या है, 1/u = -1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो u जो है -1 से 2 होगा, तो -u होगा, 60 जो है 1 से 2 होगा, तो 60। अब क्योंकि ये डिस्टेंस बता रहा है तो यूनिट सेंटीमीटर में रहेगा, अब ये माइनस हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो u कितना आया, -60 सेंटीमीटर। अब ये u यानी कि ऑब्जेक्ट u जो u = -60 सेंटीमीटर, ये क्या बता रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना, अगर वो 60 सेंटीमीटर पर रखेगा रखा जाएगा, तभी जो हमारा जो इमेज बनेगा ना इस वॉल पर, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो ये कितना आया, माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये ऑब्जेक्ट हम इधर साइड रख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रखेंगे हम, तो इधर साइड क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पर रखा है, रखना पड़ेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ से, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, ठीक है ना, ये सी हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो इससे यहाँ से लेंस ही है हमारा, लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखाएगा। तो देखिए यहाँ पर इतना ये 20 हो गया,
ठीक है ना, ये पूरा 20 हो गया, फिर 20 और 20 40, मतलब कि ये लाइन और आगे तक जाएगी, तो मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है, इसी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट के जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी वॉल पर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।